हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सप्लीमेंट के बारे में जो कि लोगों को बहुत ही कम पता है कि कौन से सप्लीमेंट हमें एक्चुअली में लेना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सप्लीमेंटेशन की अगर बात की जाए तो हमारे दो टाइप्स के सप्लीमेंटेशन होते हैं। एक हमारा नेचुरल सप्लीमेंट है जिसे हम लोग नेचुरल सप्लीमेंट कहते हैं। दूसरा हमारा सप्लीमेंटेशन की बात की जाए तो ऑर्गेनिक सप्लीमेंटेशन होते हैं। अगर नेचुरल सप्लीमेंटेशन की बात की जाए तो किस टाइप्स के जो सप्लीमेंटेशन होते हैं वो हम नॉर्मल पर्सन इंटेक कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक अगर जो है सप्लीमेंटेशन की बात की जाए तो वो हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे इस टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल सप्लीमेंटेशन। नेचुरल सप्लीमेंटेशन के बाद सबसे पहली चीज हम बात कर रहे हैं कि वे प्रोटीन एंड हाइड्रोलाइट। नॉर्मली जो है मार्केट में बहुत सारे लोग जाते हैं, वो अगर खरीदना भी चाहते तो सीधा जाते हैं और शॉपकीपर से बोलते हैं मुझे वे प्रोटीन दे दीजिए। लेकिन एक्चुअली में उन्हें ये नहीं पता है कि वो वे प्रोटीन हमारे जो है कौन से हैं, यानी हाइड्रोलाइट है, आइसोलेशन है, तो कौन से हैं। तो यहाँ पे हम पहले जो है वे प्रोटीन के बारे में जो बात करने वाले हैं वो वे प्रोटीन हाइड्रोलाइट है। वे प्रोटीन हाइड्रोलाइट की अगर बात की जाए तो प्रोटीन इसमें मैक्सिमम होते हैं, यानी इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम होते हैं, लेस होते हैं, एंड साथ ही साथ फैट भी इसमें बहुत ही कम होते हैं। अगर 100 ग्राम ऑफ वे प्रोटीन हाइड्रोलाइट की बात की जाए तो इसमें आपको 90 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन इंटेक करते हैं तो आपको 90 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। और साइज की अगर बात करें, जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि आपने जब भी वे प्रोटीन खरीदा होगा या किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का आपने अगर प्रोटीन खरीदा होगा तो उसमें जो प्रोटीन आप खरीदते हैं तो उसमें स्कूप होता है। तो उस स्कूप की अगर मेजरिंग की बात की जाए तो उसकी मेजरिंग साइज होती है 30 ग्राम ऑफ स्कूप, यानी एक स्कूप में आपको 30 ग्राम आपका पाउडर उसमें इंटेक होता है। कंटेंट्स की बात की जाए तो अगर एक स्कूप आप प्रोटीन इंटेक करते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट में लें या फिर पोस्ट वर्कआउट में लें या तो फिर बिफोर स्लीप लें, तो उसमें आपको 25-30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। हाँ, एक चीज और, ये जो हमने बताया है वे प्रोटीन हाइड्रोलाइट, ये एक्चुअली में वो बॉडी बिल्डर को लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है और इसमें साथ ही साथ प्योर प्रोटीन होता है, ना कि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं ना ही फैट होते हैं। और बात की जाए तो ये प्रोटीन बॉडी बिल्डर को कब लेना चाहिए, तो बिफोर 1 मंथ कंपटीशन, यानी जब आपका बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होने वाला हो उससे 1 महीने पहले आपको शेडेड लाने के लिए आपको वे प्रोटीन हाइड्रोलाइट लेना चाहिए। इनकी यूजेस की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को ये भी मिथ रहता है कि हम अगर वे प्रोटीन लेते हैं तो हमें कब यूज करना चाहिए। बहुत सारे आपके ट्रेनर भी बोलते होंगे कि आप जो है पोस्ट वर्कआउट में लीजिए, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप सिर्फ जो है पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हैं। तो अगर बात की जाए तो हम किन किन टाइम पे प्रोटीन जो है किसी भी टाइप्स के प्रोटीन हम कब ले सकते हैं, तो अगर बात की जाए तो आप जो है ब्रेकफास्ट में आप प्रोटीन ले सकते हैं, लाइक दैट अगर आप ब्रेकफास्ट मील में अगर प्रोटीन इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उस टाइम आप ले सकते हैं, या फिर आप पोस्ट वर्कआउट, चाहे वो आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हो या इवनिंग में एक्सरसाइज करते हो आप उस टाइम ले सकते हैं, या फिर आप बिफोर स्लीप, यानी आप सोने जाने से पहले आप क्या कर सकते हैं, आप मिल्क के साथ 1 स्कूप आप वे प्रोटीन हाइड्रोलाइट ले सकते हैं। और इनकी अगर प्राइजेस की बात की जाए तो ये वे प्रोटीन हाइड्रोलाइट कितने रेंज में आते हैं, कितने प्राइस में आते हैं, और साथ में ये भी हम आपको बता दें, ये जो है थोड़ा सा जो विलेज साइड में या सिटी साइज में जिनके पास पैसे इतना ज्यादा बॉडी पे इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है वो ये यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली आता है। इनकी प्राइस की बात की जाए तो अगर 1 kg आप वे प्रोटीन हाइड्रोलाइट बाई करते हैं तो मैक्सिमम ये 6,000-7,000 रुपीज का आता है। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर 1 kg आप वे प्रोटीन हाइड्रोलाइट खरीदते हैं तो आपको करीब 6,000-7,000 रुपए आपको सिर्फ प्रोटीन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और साथ में अगर बात की जाए तो ये कितने ड्यूरिंग, यानी कितने डेज तक हम इन्हें यूज कर सकते हैं, तो अगर 1 kg आप वे प्रोटीन हाइड्रोलाइट इंटेक लेते हैं तो मैक्सिमम आप 20-25 दिन बहुत ले सकते हैं, उसके बाद ये ओवर हो जाएगा, यानी इतना प्रोटीन नहीं होता कि आप मैक्सिमम 1 मंथ तक यूज कर पाए। तो आई
यहाँ पे आपको हमने जो है नेचुरल सप्लीमेंटेशन के वे प्रोटीन हाइड्रोलाइट के बारे में हमने आपको समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि वे प्रोटीन हाइड्रोलाइट के बारे में, तो अब हम सेकंड बात करने वाले हैं वे प्रोटीन आइसोलेट प्रोटीन के बारे में। अब वे आइसोलेट की अगर बात की जाए तो वे आइसोलेट कौन से पर्सन ऐसे हैं जो यूज कर सकते हैं, तो वे आइसोलेट उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है जो कि फैट लॉस पे अपना प्रोसेसिंग या अपना मसल बिल्ड करना चाहते हैं। तो अब वे आइसोलेट के बारे में बात करते हैं, तो अगर वे आइसोलेट आप 100 ग्राम लेते हैं तो 7-80 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। और साथ में अगर साइज ऑफ स्कूप की बात की जाए तो स्कूप से अगर हम जो है 1 स्कूप लेते हैं, तो चाहे वो हमारा कोई भी प्रोटीन हो, किसी भी टाइप का प्रोटीन हो, उस स्कूप की अगर बात की जाए तो वो हमारा 30 ग्राम ऑफ स्कूप ही होता है। एक स्कूप में आपका 30 ग्राम आता है प्रोटीन। तो उनमें अगर बात की जाए तो कितने ग्राम हमें प्रोटीन मिल जाते हैं, तो 24 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाते हैं। और ये यूज जो कर सकते हैं वो फैट लॉस पर्सन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज अगर इसके प्राइस के बारे में बात की जाए, तो जैसे कि हमने बताया कि वे प्रोटीन जो है हाइड्रोलाइट के बारे में कि वो हमारा बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि वो बॉडी बिल्डर यूज करते हैं। ये आप जो है नॉर्मली पर्सन यूज कर सकते हैं जो फैट लॉस पे अपना बिल्ड करना चाहते हैं मसल। तो इनकी अगर प्राइस की बात की जाए तो ये 1 kg ऑफ 4,000-5,000 रुपीज में 1 kg आपको अफोर्डेबल होता है, यानी आप उसे बाई कर सकते हैं। तो अब हम तीसरी प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे जो है नॉर्मल फिटनेस से रिलेटेड लोग इसको यूज करते हैं। तो अब हम थर्ड बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में जो कि हमारा होगा वे कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन। बहुत सारे लोग का ये भी क्वेश्चन होता है, मिथ होता है कि यार हम तो प्रोटीन लिए, खाया भी, इंटेक भी किया, अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से उसे यूज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा वेट गेन नहीं हो पा रहा या हमारा मसल बिल्ड नहीं हो पा रहा या हमारा फैट लॉस नहीं हो पा रहा। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है जो कि जो हमारा मसल बिल्ड नहीं हो रहा है, फैट लॉस नहीं हो रहा है और साथ ही साथ हमारी बॉडी इंक्रीज नहीं कर पाती, तो आज उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हमने बात किया है जो कि हमारा वे हाइड्रोलाइट प्रोटीन के बारे में, जो कि हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। दूसरा हमने बताया वे आइसोलेट प्रोटीन के बारे में, वो भी हमने अच्छे से आपको समझा दिया। अब थर्ड हम बात करने वाले हैं वे कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन के बारे में। इस प्रोटीन में एक्चुअली में क्या वजह होती है, रीजन क्या होता है जिसकी वजह से मसल इंक्रीज नहीं हो पाता, मसल बिल्ड नहीं हो पाता, फैट लॉस नहीं हो पाता, तो लेट्स स्टार्ट डिस्कस। तो पर अगर 100 ग्राम ऑफ जो है वे कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन की बात की जाए तो 60-70 ग्राम आप प्रोटीन आपको मिलता है। लेकिन साइज ऑफ स्कूप की बात करें, जब आप 30 ग्राम आप स्कूप यूज करते तो उसमें आपको मिलते हैं 20 ग्राम आप प्रोटीन, यानी 20 ग्राम आपको प्रोटीन मिलते हैं। साथ ही साथ 5-10 ग्राम आपको जो है कार्ब्स मिल जाते हैं एंड 3-4 ग्राम आपको फैट मिल जाते हैं। साथ में अगर बात की तो ये सिर्फ आपके बैलेंस के लिए होता है और नो इंक्रीज मसल्स। ये क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, नॉर्मली आप अगर कहीं जॉब भी कर रहे हैं 6-12 या 6-8, ठीक है, अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं देन आपकी तब भी कैलोरीज कम होती है। और वही ये जो प्रोटीन हमारा है वे कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन, तो ये हमारे जो है कैलोरी को सिर्फ मेंटेन करता है, ना कि इंक्रीज करता है और ना ही फैट लॉस को डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि इसमें इतना ज्यादा प्रोटीन नहीं होता है जिससे आपकी बॉडी अच्छे तरीके से बिल्डअप हो पाए। हाँ, एक चीज और, अगर इनकी प्राइस की बात की जाए तो ये कितने प्राइस में आते हैं ये प्रोटीन जो हमें मिल जाते हैं। ये एक्चुअली में सबसे ज्यादा यूज की अगर बात की तो विलेज साइड में जो लोग होते हैं या सिटी साइड में जो लोग होते हैं ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी बॉडी हमेशा सिर्फ फिट रहे, ना कि बहुत ज्यादा इंक्रीज करे और ना ही हमारा फैट लॉस का कोई पर्पज है। प्राइस की बात करें तो 1500-1800 रुपीज में आपको 1 kg जो वे कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन आता है ये आपको अच्छे तरीके से मिल जाता है। हाँ, जो लड़के अपना वेट इंक्रीज करना चाहते हैं या अपना मसल बिल्डअप करना चाहते हैं वो ये प्रोटीन बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन यही है कि जब आप इस टाइप के प्रोटीन को यूज करते हैं आपका पैसा बिल्कुल भी वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आपका मोटो जो होता है वो मसल बिल्डअप का होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि हमें प्रोटीन एक्चुअली में कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, तो आप ये प्रोटीन बिल्कुल भी ना लें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम एक्चुअली में रियलिटी में आपको मसल बिल्डअप करना चाहिए, तो आप वे प्रोटीन जो है आइसोलेट लीजिए फॉर फैट लॉस मसल बिल्ड एंड वे कॉन्सेंट्रेट वे हाइड्रोलाइट प्रोटीन लीजिए अगर आप बॉडी बिल्डर हैं। एंड फोर्थ हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में जो कि होगा हमारा ब्लैंड प्रोटीन।
देन अब हम लास्ट प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारा होगा ब्लेंड प्रोटीन। अब ब्लेंड प्रोटीन की अगर बात की जाए तो ब्लेंड प्रोटीन कौन से पर्सन यूज कर सकते हैं? ब्लेंड प्रोटीन की अगर बात करें तो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ वुमेन ही यूज कर सकती हैं, और ये सिर्फ वुमेन के ही लिए होता है। तो जैसे कि हमने तीन प्रोटीन के बारे में बताया, वे हाइड्रोलाइट आप यूज कर सकते हैं, फिर हमने बताया वे आइसोलेट आप पर्सन यूज कर सकते हैं, एंड वे कॉन्सेंट्रेट आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्लेंड प्रोटीन की जब भी बात है, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी शॉपकीपर आपको अगर ब्लेंड प्रोटीन दे रहा है तो आप उसको तुरंत अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ब्लेंड प्रोटीन आपके लिए नहीं है, वो स्पेशली आपके वुमेन के लिए है। तो अगर ब्लेंड प्रोटीन के बारे में बात की जाए तो 100 ग्राम आप ब्लेंड प्रोटीन में 60-70% आपका प्रोटीन होता है। साइज ऑफ स्कूप की अगर बात की जाए, तो 30 ग्राम आप कंटेन्स यानी 20-22 ग्राम जो है आपको प्रोटीन मिल जाता है अगर आप ब्लेंड प्रोटीन के स्कूप से मेजरिंग करते हैं, और 5-10 ग्राम आपको कार्ब मिल जाता है, एंड 3-4 ग्राम आपको फैट मिल जाता है। नेक्स्ट अगर प्राइस की बात की जाए तो ब्लेंड प्रोटीन कितने प्राइस में आता है, ये वुमेन कितना इन्वेस्ट कर सकती हैं, या कितना पैसा वो लगा के ये प्रोटीन बाई कर सकती हैं? तो जो ब्लेंड प्रोटीन होता है वो हमारा 1100-1500 रुपीज में हमारा अफोर्डेबल होता है। ये चाहे विलेज साइड में अगर हो तब भी वो यूज कर सकते हैं, या आप अगर सिटी साइज में रहते हैं तब भी। हाँ, एक चीज और, आपके अगर माइंड में ये मिथ है कि ब्लेंड प्रोटीन से सिर्फ आप मसल बिल्ड कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लेंड प्रोटीन आपकी सिर्फ फिटनेस के लिए होता है। साथ में ये बात, जितनी भी हमने प्रोटीन के बारे में बताया, वे हाइड्रोलाइट, वे आइसोलेट एंड वे कॉन्सेंट्रेट एंड ब्लेंड प्रोटीन, ओवरऑल प्रोटीन यूज ओनली 30, नॉट मोर देन। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टॉपिक लिख दिया है कि अगर आप 30 ग्राम के ऊपर आप प्रोटीन कोई भी यूज करते हैं तो आपके डाइजेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपका डाइजेशन सिस्टम इतना बना होता है कि आप वन टाइम में आप 30 ग्राम या 35 ग्राम प्रोटीन आपका डाइजेशन सिस्टम डाइजेस्ट कर सकता है, इससे ज्यादा आप प्रोटीन ना ले। हाँ, अगर आप लेते भी हैं तो जो आप एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं वो आपका वेस्ट में चला जाता है, कोई भी उससे आपको जो है बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आप इन सारी बातों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रख के इन सारी चीजों को यूज करें। हाँ, एक चीज और, जैसे कि हमने सारी चीजें आपको बता दिए है, अगर आपको ये प्रोटीन की जो मिथ थी अब तक आपकी क्लियर हो चुकी होगी, अगर इससे रिलेटेड और भी कोई आपके माइंड में किसी भी टाइप्स का क्वेश्चन चल रहा होगा तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।